हफ्ते की कहानी में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन ब्रह्मांड के अंदर जाके सारे ग्रह को क्रॉस करते हुए माइक्रोवेव डायमेंशन में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसका शिनचैन से कम्युनिकेशन टूट जाता है, लेकिन शिनचैन को फ्रैंकलिन की लोकेशन मिल जाती है। शिनचैन मदद के लिए ग्रीन लैंटर्न के पास चला जाता है। ग्रीन लैंटर्न उसकी मदद करने के लिए मान जाते है। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को पेनीवाइज ग्रह के ऊपर बहुत सारे पेनीवाइज मिल जाते है। वो एक एक करके उसे मार रहे होते है, लेकिन वो अपने आप को जिंदा कर रहे होते, तभी उसका सूट हो जाता है खराब और उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न उसे बचा लेते और उत्तर दिशा की तरफ भेज देते। वहाँ पे जाने के बाद उसके पीछे पेनीवाइज पड़ जाता है, लेकिन कैसे वैसे करके वो उस जगह के ऊपर पहुँच के सेवन बुक्स वहाँ पे रख देते है और पेनीवाइज को वहाँ पे कैद कर देते है। फ्रैंकलिन शिनचैन और ग्रीन लैंटर्न वहाँ से निकल जाते है। अब आगे ओके तो गाइस फाइनली हमने पेनीवाइज को खत्म कर दिया यार। शिनचैन देख क्या ही मजा आ गया गाइस। इसके ऊपर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक में टारगेट रखो 30,000 प्लस लाइक। और गाइस आप चैनल पे न्यू तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना। गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का आईडी Team4SHOOTER आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अरे फ्रैंकलिन और शिनचैन क्या कर रहे हो यार, मुझे जल्दी से जल्दी ग्रीन लैंटर्न ग्रह के ऊपर छोड़ दो। ग्रीन लैंटर्न कोई बात नहीं, अभी कोई मुसीबत अपने ऊपर नहीं आने वाली, हम आराम से जाएंगे मजे में। अरे शिनचैन क्या बोलता है, अपना लक बहुत खराब है, तुझे पता है ना हम यार कैसे वैसे करके यार एक मुसीबत से पीछा छुड़ाते तो दूसरी मुसीबत अपने पास आ जाती है। फ्रैंकलिन ऐसा क्यों बोल रहे हो, मनुष्य बातें बंद करो। मैंने अभी यहाँ पे कहा भूकंप आ जाएगा, क्या यहाँ पे भूकंप थोड़ी आ जाएगा क्या शिनचैन, बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, सब नहीं होता यार। मैंने अभी कहा यहाँ पे भूकंप आ जाएगा तो कुछ भी आ जाएगा। क्या ये अभी ये क्या हो गया बेस किया, अभी व्हाट इज दिस, ओ चल चल अबे अचानक से यहाँ पे अंदर क्या हो गया। अरे बेस किया, अरे ये क्या क्या अभी स्पेसशिप के ऊपर ये क्या गिर रहे, ओ माय गॉड अचानक से क्या हो गया, ओ यार अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब ये क्या चाहता। मैंने कहा था ना बहुत मनुष्य हो, अब जो बोलते वो सच हो जाते, देखो आपने क्यों कहा कि कुछ हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कुछ तो हुआ था। अरे कुछ नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे ही कुछ तो हुआ होगा। हम चलते जल्दी जल्दी ग्रीन लैंटर्न के ग्रह के ऊपर, उन्हें ग्रीन लैंटर्न को छोड़ने भाई उनको बहुत से काम है। अर्थ को भाई अर्थ के ऊपर हम बाद में जाते, बाद में पोकेमॉन वर्ल्ड के ऊपर भी जाने। ये स्पेसशिप लाइटनिंग की स्पेसशिप जिससे लिए यानी पोकेमॉन वर्ल्ड से हमने एश से लिए, उसे अपने को देना पड़ेगा। हाँ चलो चलते हैं जल्दी जल्दी गाइस, आपने अभी तक लाइक नहीं मारा तो लाइक मारो फटक से। ये क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे, हमें किसने कैद किया था। ये रहा स्लेंडरमैन, स्लेंडरमैन हटो, स्लेंडरमैन हटो, यहाँ पे हमारी बुक थी मैजिक बुक, वो कहाँ पे चले गई। अरे मुझे नहीं पता कहाँ पे चले गई। अरे वो आया था आयरन मैन, वो आयरन मैन नहीं था, उसके अंदर फ्रैंकलिन था। हाँ वही 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 अपनी मैजिक बुक लेके गया। इसका मतलब पेनीवाइज खत्म हो चुका है। हाँ तो हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब पेनीवाइज का बदला लेंगे। हमारे अंदर थॉर और टोनी स्टार्क की आत्मा डाली है पेनीवाइज ने, अगर हम मरे तो ये दोनों भी मर जाएंगे, ये बस हम दोनों को पता है। तो चलते हैं लॉस एंटोस में तबाही मचाने, आ जाओ। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अचानक से भूकंप कैसे आ गया, ये कौन कर रहा है। ये कहता है हीरोब्रेन वर्जन 2.0। अरे मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी था बहुत खतरनाक था। ओके छोड़ो से, हम चलते लॉस एंटोस में तबाही मचाने। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, इन्हें बताना पड़ेगा हीरोब्रेन क्या चीज है। मास्टर मोल्ड जी मेरे आका, हम आ चुके, मैं आ रहा हूँ, मुझे देखना है मैं कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इसे हिंदी कहते हैं, मुझे ये जानना है। मैं आ रहा हूँ शहर, इसे शहर कहते हैं, मैं जल्दी इंसानों को पर राज करूँगा। ये कौन सी दुनिया है, हम यहाँ पे आ चुके हैं और मेरे सरदार ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जाके देखो हम कहाँ पे आए हैं, ये कौन सी दुनिया है और ये मैं कहाँ पे चल रहा हूँ और
पर ये बड़ी बड़ी चट्टाने कैसी है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। मैं कहाँ पे आया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चट्टान है। और ये क्या है इसमें देखते ही? ये क्या चीज है? इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है मुझे। मैं ये कौन से ग्रह पे आ गया? ये मुझे मार रहे। मुझे भागना पड़ेगा। सॉरी ये दानव भाग रहा है। ये क्या, ये भी हिंदी बोल रहे है? ये मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? मुझे जाना पड़ेगा, मैं आऊंगा बाद में। मुझे सरदार को जाके बताना पड़ेगा, इस ग्रह के जानवर बहुत खतरनाक है। तो ग्रीनलैंडन हम चलते हैं अभी के लिए लॉस एंटोस, ठीक है? अब तुम यहाँ पे रह सकते हो आराम से। अभी कोई भी हमें प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आ जाऊंगा। ओके फ्रैंकलिन, आ जाना बिंदास। आ तो चल शिनचैन, हमने ग्रीनलैंडन को उनके शहर छोड़ दिया, अब जाते लॉस एंटोस के अंदर। आप भूल गए क्या, पोकेमोन वर्ल्ड में जाना है स्पेसशिप देने के लिए। गाइस आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करो ना, क्या कर रहे हो, सोच कर रहे हो? अरे हाँ शिनचैन, तूने सही कहा, अपने को पोकेमोन वर्ल्ड में भी जाना है। बहुत टाइम लग रहा है यार, अपने को एवेंजर्स को भी ठीक करने, उनकी आत्मा भी उनके अंदर डालनी है। और मैंने स्लेंडरमैन और हीरोब्रेन को कैद करके रखा था, वहाँ पे जाके भाई उनकी आत्मा निकालने के लिए हमें स्टीव से कोई मंत्र विंत्र लेना पड़ेगा। चलते हैं भाई ग्रीनलैंडर हम, बाय बाय। ओके तो बाय बाय, और टीम फोर शूटर मिलते हैं हम, कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाना। हाँ ओके ग्रीनलैंडर, हमें आ जाऊंगा, ठीक है शिनचैन, आ जा स्पेसशिप के अंदर। यार स्पेसशिप को तो देखो यार, कितना बढ़िया स्पेसशिप। अरे फ्रैंकल भाई देखो, हम जैसे ही ग्रीनलैंडर ग्रह से निकले, हम अर्थ के बाजू से हम निकल रहे थे, अर्थ को क्या हो गया? अरे मुझे लग रहा है अर्थ के ऊपर बहुत मौसम खराब है, तो उसके लिए छोड़ यार, हम बाद में जाके चेकआउट कर सकते। अभी के लिए भाई अपने को पोकेमोन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। पोकेमोन वर्ल्ड बहुत दूर है यार, बहुत डायमेंशन में, अलग वाले डायमेंशन में। एक काम करते, बहुत बूस्ट मारना पड़ेगा, और चलते जल्दी पोकेमोन वर्ल्ड के पास। देखो हम पोकेमोन वर्ल्ड में पहुंच गए। अरे हाँ शिनचैन, पोकेमोन वर्ल्ड में हम पहुंच गए। काम करते स्पेसशिप को यहीं पे रखते और जाके भाई मिस्टी और ऐश से बात करते। अरे शिनचैन ये रहे मिस्टी और पिकाचू। ऐश और पिकाचू बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। अरे शिनचैन कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आई लव फ्रैंकलिन और शिनचैन, तुम्हारे मेरे को बहुत याद आएगी, बाय बाय। अरे कोई ना यार ऐश, हम लोगों को भी तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हम चलते हैं, अभी के लिए हमें लॉस एंटोस में जाना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, हमें एवेंजर्स की आत्मा उनके बॉडी में फिर से डालनी है। फ्रैंकलिन भाई लेकिन हम जाएंगे कैसे? अरे मेरे पास आयरन मैन का सूट है भाई, ये देखिए रहा आयरन मैन का सूट। जार्विस एक काम कर, जल्दी से जल्दी लॉस एंटोस की डायमेंशन की लोकेशन डाल दे। ओके तो ऐश एंड मिस्टी और पिकाचू बाय बाय। बाय बाय फ्रैंकलिन शिनचैन। अरे बाप रे फ्रैंकलिन शिनचैन, बाय बाय। शिनचैन चलते हम, मेरे को इनकी बहुत याद आएगी। अरे लेकिन हमें को जाना पड़ेगा। 3, 2, 1 चार विद, लेट्स गो। यार हम पहुंच चुके भाई यहाँ पे। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने आयरन मैन का सूट रख दिया, इसका मतलब अभी एवेंजर्स जिंदा हो पाएंगे। अभी क्या देख रहे हो? अबे थोर, अबे भाई टोनी स्टार्क, अबे भाई यार ड्यू, तू ये क्या कर रहे है भाई? अभी तक ये जिंदा नहीं हुए यार, अभी तक एवेंजर्स जिंदा क्यों नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन भाई मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया। अरे अरे मेरे को अभी समझ में आ गया भाई, एवेंजर्स की आत्मा अभी भी स्लेंडरमैन और हीरोब्रेन के अंदर है, तो अपने को जल्दी जल्दी उन दोनों को लेके आना पड़ेगा वहाँ। हैं फ्रैंकलिन तूने सही कहा, जल्दी जल्दी, अपने पास आधा घंटा बचा, जल्दी उन दोनों को लेके आ, नहीं तो ये मर जाएंगे कायम के लिए। ओके तू शिनचैन यहीं पे रुक, मैं जल्दी जल्दी आयरन मैन का सूट लेके उन दोनों को लेके आता हूं यहाँ पे। सर एक अपडेट देना था। हाँ भाई जल्दी बोलिए, जार्विस क्या अपडेट देना था? अर्थ के ऊपर आया था और उसने भूकंप किया था। ओके 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 अभी समझ में आ गया भाई साहब, यार थेनोस यहाँ पे अर्थ के ऊपर आया था, इसीलिए भाई हम ब्रह्मांड में थे, तब यार अर्थ के बाजू में जाने के बाद हमारा स्पेसशिप थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा भाई? मुझे लग रहा है उसका इरादा था अर्थ को हिलाना, इसीलिए उसने अपनी पावर यूज की। लेकिन यार कोई ना, उसे हम बाद में देख लेते हैं, अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी उन दोनों को लेके आता हूँ, हीरोब्रेन स्लेंडरमैन को। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने आयरन मैन का सूट पहन लिया, तो जल्दी जल्दी जाते उन दोनों को लेके आते। जार्विस जल्दी से जल्दी मुझे बता, उन दोनों के बाजू में मैंने सुरक्षा कवच लगा तो वो ठीक है ना? सुरक्षा कवच टूट चुका है और दोनों भाग चुके हैं। अरे क्या बोल रहे भाग चुके, इसका मतलब वो लॉस एंटोस में चलेंगे होंगे, लिटरली मेरे को लॉस एंटोस शहर में जाना पड़ेगा, वो तबाही मचा रहे होंगे। अरे इनकी ऐसी की दीदी, इन दोनों को मैं छोड़ देने वाला। गाइस अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं मारा, जल्दी लाइक मारो, मेरे को जल्दी मोटिवेशन वाला पावर चाहिए आपका, आपके पास छोटे से पावर, जल्दी लाइक मार के सब्सक्राइब कर दो। आज मैं इन दोनों को छोड़ने वाला, फटाक से चलता हूं ये रहा लॉस एंटोस शहर, और वहां पे जाने के बाद मेरे को हीरो ब्रह्मा और स्लेंडरमैन को खत्म करना पड़ेगा। मैं रहा स्लेंडरमैन और हीरो ब्रह्मा 2.0 वर्जन। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले। मुझे बहुत भूख लगी है मोहतरमा, तुम कहाँ पे जा रही हो? मुझे तुम्हें खाना है, आ जाओ। मेरा पेट भर चुका है,
लेकिन मुझे और खाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ पे जा रहे हो? जल्दी से जल्दी मेरे पेट में समा जाओ। मैं शेर को छोड़ूंगा नहीं। हीरो ब्राइम तुम क्या कर रहे हो? मैं इन लोगों को खा रहा हूँ। ओके खाओ, मैं भी इन लोगों को खाने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं हूँ हीरो ब्राइम 2.0। मुझे जिसने भी कैद किया यानी आयरन मैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सारे इंसानों को खा लूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं लॉस एंटोस शहर को तबाह करूंगा। मैं आ रहा हूँ लॉस एंटोस वालों। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं आज लॉस एंटोस को तबाह करके रहूंगा। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पूरे लॉस एंटोस को तबाह करके रहूंगा। अरे ये क्या देख रहे हो? इसकी भैंस की टट्टी। यार हीरो ब्राइन तो यहाँ पे तबाही मच रहे, मासूम लोगों को मार रहे। इसे मुझे कुछ भी करके मारना पड़ेगा। ये ले हीरो ब्राइन, तेरी ऐसी की थी। ये कौन है? अरे आयरन मैन, तेरी ऐसी की थी। मैं कौन? मतलब तुझे ही तो मैंने कैद कर दिया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या छोड़ेगा भैंस? क्या ये ले, ये ले। स्लेंडरमैन मुझे बचा। अभी स्लेंडरमैन को बुला रहे। अभी स्लेंडरमैन कहाँ है? इसकी भैंस की टट्टी से मैंने बेहोश कर दिया। अभी स्लेंडरमैन कहाँ पे? अभी अभी ये तो बेहोश हो गया। अरे स्लेंडरमैन कहाँ पे? अभी स्लेंडरमैन, ओ ये क्या? अभी भैंस क्या? अभी स्लेंडरमैन इतना पावरफुल कैसे हो गया? अरे नहीं साहब, ओह माय गॉड, इसके पास पावर कैसे आ गई? मुझे लग रहा है हीरो ब्राइन और ये दोनों एक हो गए। इसीलिए हीरो ब्राइन जल्दी जल्दी मर गया। इसीलिए भाई साहब ये दोनों एक हो चुके भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओ गाइस यार क्या ही बोले, स्लेंडरमैन और हीरो ब्राइन नहीं चुके। तुम दोनों को मैं एक साथ ही मार दूंगा। देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन मैंने मार भी नहीं सकता यार। इन्हें बेहोश करना पड़ेगा कुछ भी करके। मैंने हीरो ब्राइन को तो बेहोश कर दिया, अब इसे बेहोश करना पड़ेगा। इसकी ऐसी की तैसी कहां पे भाग गया? अबे भेज क्या ये ले। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं हूँ स्लेंडरमैन। अबे तू को भी हो, तेरी ऐसी की तैसी। ये क्या 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 करती है? अबे भेज क्या, इसके पास इतनी सारी पावर कैसी है? अरे हट 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 हट, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ले ओ इसकी भैंस की आंख। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया। शिंचन सुन। हाँ प्रिंकल बे, बोलो क्या हुआ? क्या हेल्प करूँ आपकी? मुझे आयरन मैन सूट के बैकअप भेज जल्दी। हाँ ओके भेज रहा हूँ, रुको। गाइस आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं मारा, क्या कर रहे हो? लाइक करो ना। अरे शिंचन तू क्या कर रहे? जल्दी कर रहा भाई, यहाँ पे मैं मुसीबत में हूँ। ओके बटन दबा दिया। अरे तुम्हारे के लिए बैकअप आ रहा है, जल्दी। अरे यार ये मेरे पीछे पड़ गया, इसने मेरा सूट यार वाट लगा दी सूट की भैंस की टैट। रुक जा दो मिनट रुक जा। इसकी ऐसी की थी। यार मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। अबे शिंचन तू कहाँ पे? भाई बटन दबे के नहीं? फ्रिकल पे मेरे बटन दबा दिया, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे बहुत कुछ हो गया। ये हुई ना मेरे भाई, आ गए यार दो आयरन मैन के सूट आ गए। अबे मारो, तुम क्या कर रहे हो? तुम मार रही ऐसी की थी मेरे को बैकअप के लिए, और तुम अब मारो। कहाँ पे स्लेंडरमैन? इसकी भैंस की टैट। गाइस देखो यार, यहाँ पे दो आयरन मैन, तीन आयरन मैन मिलकर स्लेंडरमैन को मार रहे, लेकिन ये मर नहीं रहा। ये टोनी के कैसे सूट है बे? भैंस की आंख। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इसे बेहोश करना पड़ेगा। ये ले, मैंने बेहोश कर दिया इसे। फाइनली गाइस हम सब लोगों ने मिलके, यानी तीन आयरन मैन ने मिलके दोनों मॉन्स्टर को यहाँ पे बेहोश कर दिया। अभी इन लोगों को मुझे जल्दी जल्दी उठा के लेके जाना पड़ेगा मेंशन के ऊपर। जल्दी जल्दी स्टीव, कितना टाइम बचा है? अरे फ्रैंक ने अपने पास 10 मिनट बचे, जल्दी लेके आ। ओके अरे चलो इसे उठा के लेके चलो। यार गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा यार, जिसको हम कैसे टिक रहे? स्टीव क्या कर रहे हैं भाई? अब तो यार हीरो ब्राइन ने और स्लेंडरमैन को मैं यहाँ पे ला के आ गया। यार यहाँ पे आयरन मैन का सूट भी बहुत डैमेज हो चुका है। कुछ नहीं यार, क्या कर रहे भाई स्टीव, क्या कर रहे? जल्दी जल्दी बताना, ये कैसे जिंदा कर रहे? अरे फ्रैंकलिन यार मुझे देख लेते, इनके पास कितनी सारी पावर बची अभी तक यार। इनके अंदर एवेंजर्स की आत्मा है कि नहीं, हम मुझे थोड़ा सा देखने थे, चेकआउट करने थे 5 मिनट के लिए। ओके स्टू तू 5 मिनट ले ले यार, अच्छे से ठीक कर यार। जल्दी से थोर की और टोनी स्टार्क की आत्मा इनके अंदर डाल दे यार। क्या यार इनकी ऐसी की दीदी, एक काम करना पड़ेगा, जब यार अपने एवेंजर्स ठीक हो जाएंगे, मैं ये हीरो ब्राइम और सिलेंडर मैन को एक ऐसी जगह पे छुपाऊंगा जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यार कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करो यार, अपने एवेंजर्स ठीक होने वाले यार। गाइस जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना। लेकिन एवेंजर्स अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? अरे स्टीव क्या कर रहे भाई, जल्दी जल्दी करना मेरे भाई। फ्रैंकलिन थोड़ा टाइम देना मेरे को देखने दे। ओके ये जगह हाँ, इनके अंदर आत्मा है मैंने देखा। अब इनको मैं जिंदा करता हूँ। स्टीव जल्दी जल्दी एवेंजर्स को ठीक करो ना। अरे हाँ शिंचन, इन दोनों की पावर मैंने ले ली, अब देखो ये कैसे नॉर्मल खड़े हैं। अब इन दोनों की आत्मा इन दोनों के अंदर मैं डाल रहा हूँ।
ये रही इसकी आत्मा, ये रही इसकी आत्मा। फाइनली ये दोनों ठीक हो चुके हैं। ओह माय गॉड, टोनी स्टार्क और थोर भाई सब यहाँ पे एवेंजर जिंदा हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मजा आ गया। अब इन दोनों की वाटे, अब तुम दोनों को मैं कहाँ पे रख के आता हूँ देखो बस। चलता हूँ मैं इन दोनों को लेके एक ऐसी जगह पे, ये लोग वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। ये रही वो जगह जहाँ पे मैं तुम दोनों को कैद करने वाला हूँ। अब तुम दोनों मासूम बच्चों को नहीं तंग करोगे, अब यहीं पे तड़पाओ। ये जगह बस मुझे पता है कहाँ पे, और गाइस आप लोगों को पता है, तो कृपया इस जगह के बारे में किसी को मत बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं इस जगह को बंद कर देता हूँ। तो ये रही वो जगह, यहाँ पे मैंने स्लेंडरमैन और हीरोब्राइन 2.0 वर्जन को कैद करके रखा है। अब चलता हूँ मैं मैंशन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय। इचा मामा चिचा मामा, इसका मकलका चिलम्मा।